कौन हैं आप? मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तुमने। जो मेरे विनाश को जन्म दे, उस कुलघातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, रक्त के संबंध क्रोध की अग्नि में मत झुलसाइए। जिस बहन को आपने बचपन से आज तक इतना प्रेम दिया, क्या वो आपके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सहायक हो सकती है? भला हमारी संतान आपका विनाश क्यों करेगी? अपनी नवविवाहित बहन पर कृपा कीजिए महाराज। अपने पुरुषार्थ से आपने कितने असुरों को युद्ध में पराजित किया है। आज वो सब दरबारी बनकर आपकी सेवा करते हैं। हे महापराक्रमी कंस, यदि वो मायावी असुर आपको हानि नहीं पहुंचा पाए, तो ये आपकी बहन आपका क्या बिगाड़ सकती है? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। आप बीच में मत पड़िए कुंवर जी। सुना नहीं क्या? इसकी आठवीं संतान मेरा वध करेगी। जब मां ही नहीं बचेगी तो आठवीं संतान के जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ऐसा है तो आप मुझे मार दीजिए। जब मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो देवकी की संतान होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। अपने बहनोई की हत्या का पाप मैं नहीं कर सकता। और बहन की हत्या का पाप कर सकते हैं? जिसे जीवन भर प्रेम दिया है उसके प्राण लेने का अधिकार है मुझे। प्रिय भैया, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी आठवीं संतान के प्राण ले लीजिएगा। बल्कि आठवीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी, हे मथुराधिपति, मेरी पत्नी को प्राण दान दे दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूँ, अपनी आठों संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी आठों संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। किंतु आपकी संतानें इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी। वचन स्मरण रहे। इस तरह रक्त की प्यासी कंस की तलवार की छाया में देवकी और वसुदेव का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ। जब कंस की निर्ममता और वसुदेव के वचन का यह दुखद समाचार गोकुल पहुंचा तो हे नारायण, अर्थात राजा वसुदेव यदि कंस के सामने गिड़गिड़ाते नहीं तो रानी देवकी के प्राण चले जाते। हाँ नंदराज, और अब वो दोनों कंस के महल में हैं, किंतु वो महल भी उनके लिए किसी बंदी गृह से कम नहीं है। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? मेरा बस चले तो दुष्ट कंस को मटके में डाल के से घोट के रख दूं, जैसे मलाई घोट के माखन निकाला जाता है। ना, माखन ना, जे कंस तो कीड़ा है, इसे तो पटक पटक के ऐसे मारना चाहिए जैसे कीड़ा निकालने के लिए धान के गट्ठर को पटका जाता है।
किंतु जब रोहिणी जिज्जी को पता चलेगा तो वो तो अपने आप को ही दोष देंगे, क्योंकि बालक ना होने के कारण उन्होंने ही वसुदेव जी को राजकुमारी देवकी के साथ दूसरा विवाह करने पर विवश किया था। हे ईश्वर, जिस सुख के लिए रोहिणी जिज्जी ने पत्नी जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, जब उन्हें पता चलेगा कि वही सुख उस क्रूर कंस ने छीन के मटिया मेट कर दियो है, तो कितना कष्ट पहुंचेगा। गोप नरेश, कृपया मुझे अपने भैया के पास ले चलिए। संकट के समय मुझे उनके साथ होना चाहिए। किंतु भाभी, पता चलो है वसुदेव भैया और देवकी भाभी कंस के महल में कड़े पहरे में रखे गए। पति पत्नी एक दूसरे का संबल होते हैं। कंस का पहरा कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, इस समय उन्हें और बहन देवकी को मेरी आवश्यकता है। ये मेरी विवशता है कि यादव कुलदीपक होकर भी आपको इस महल में बंदियों की तरह रहना पड़ रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। काश आपने मुझसे विवाह ही ना किया होता तो क्या मैं अपने भाग्य से भाग पाता। देवकी, पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप जो हमारी नियति में लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। श्री हरि क्या करते हैं, कब और क्यों करते हैं, ये दुख हमारे जीवन में किस उद्देश्य से आए हैं, इन रहस्यों का पता लगा पाना हम मानवों के लिए संभव नहीं है। देवकी, तो फिर चलिए यहां से भाग चलते हैं कहीं ऐसे स्थान पर जहां भैया की छाया भी हम पर ना पड़ सके। नहीं प्रिय, कंस के गुप्तचरों की दृष्टि हम पर अवश्य होगी और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे जीवन पर कोई संकट आए, और मैंने उन्हें अपनी सभी संतानों को सौंपने का वचन भी दिया है। अपना वचन मेरे लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देवकी, राजन, राजकुमारी, गोकुल से रानी रोहिणी और गोपराज नंद पधारे हैं। स्वामी, भाई नंद, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं, यदि यही श्री नारायण की इच्छा है तो यही सही। इस समय मथुरा का वातावरण अनुकूल नहीं है, आपको जाना चाहिए। यशोदा भाभी भी चिंतित हो रही होंगी, उनसे कहिएगा हम यहां सुरक्षित हैं अभी तक।
वसुदेव भैया का भाग्य पर भरोसा अधिक। वे अपनी संतानों को कंस को अवश्य सौंपेंगे। ईश्वर, इतना कठोर वचन, जब इसे निभाने का कठिन समय आएगा तो कैसा अनुभव करेंगे वे? उनका हृदय तो चकनाचूर हो जाएगा। सब रुको, सब कुछ हो गया राम। नहीं सब रुको। देवकी, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूँ, अपनी आठों संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बधाई हो स्वामी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज को पता चला तो क्या होगा? अपने पुत्र को इन हाथों में थामना, कितने वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, और आज जब यह पल आया है मेरी आंखों में दुख के आंसू हैं। एक पिता जब प्रथम बार अपनी संतान को गोद में उठाता है तो सबसे पहले यह सोचता है कि उसे क्या नाम दूं, उसका सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित करे। किंतु मैं वो भाग्यहीन पिता हूं जो अपने पुत्र का भविष्य मृत्यु के अंधकार में डुबोने जा रहा है। मैं इसे नाम देकर क्या करूंगा? क्या आपके वचन का महत्व आपके पुत्र के प्राणों से अधिक है स्वामी? श्रीनारायण का दूसरा नाम सत्य होता है देवकी। तुम ही कहो, मैं श्रीनारायण से विमुख कैसे हो जाऊं? मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मुझे इसे कंस तक ले जाना ही होगा। स्वादिष्ट भोजन। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे सम्मोहित तो नहीं करना चाहती? मुझे पति के रूप में प्राप्त कर तो चुकी हो, अब प्राप्त करने को क्या क्या बचा है प्राप्ति? मैं प्राप्ति नहीं, अस्थि हूं स्वामी। प्राप्ति तो छुई मुई बनकर वहां खड़ी है। आप सदैव अपने विषय में ही सोचते हैं, कभी मेरे और भी निहारा कीजिए, तभी तो मेरा नाम सही से स्मरण होगा आपको। मैं अपने विषय में ही सोचता हूं, तभी तो दसों दिशाओं में मेरे नाम का डंका बजता है, मेरे साम्राज्य का विस्तार होता है, तभी तो मेरा अस्तित्व है। अस्ति
स्मरण रहे, तुम हो क्योंकि मैं हूं। वन में यदि सिंह न हो तो उसके आश्रति पर कीड़ भी आक्रमण कर देते हैं। सिंह कभी अपने शत्रु को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ता महाराज। आपने तो छोड़ दिया देवकी को। सिंह नहीं, आप वो गाय हैं जो अपनी कसाई से अथाह प्रेम करती है। सभी संतानों को जन्म लेते ही मेरे पास लेकर आएगा, ये वचन दिया है वसुदेव ने मुझे। तो फिर आया क्यों नहीं महाराज? प्रथम शिशु का जन्म तो हो चुका है। कुल के यादव अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी, उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुमार जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुमार जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या? गोद में भी नहीं उठा पाई थी दीदी, उसका वो सुकुमार मुख मेरी स्मृति से जा ही नहीं रहा।
वो मधुर रुधन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ देवकी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, फिर भी मेरे कान अभी तक उसके रुदन की ध्वनि सुन रहे हैं। क्योंकि ये अपनी माओ को पुकार रहा है। तुम्हारे भैया ने हमारे पुत्र को प्राणदान दे दिया है देवकी। स्वामी अब अपने पुत्र का नामकरण कीजिए, इसे ऐसा नाम दीजिए कि इसका भविष्य यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो। कीर्तिमान, कीर्तिमान, कीर्तिमान होगा इसका नाम। कीर्तिमान। भांजे भांजे, अमा से बचना संभव है। मामा जी आपके भुजाओं में कितना बल है, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तुझे पीड़ा हो रही है, ये ले। मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। इतना दुस्साहस। जा खेल, अब मामा जो है देवर्षि के साथ मंत्रणा करेंगे। जा खेल। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो तो देवर्षि हमारे द्वार पर आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपको ये अद्भुत कमल पुष्प भेंट करने आया था महाराज। इसे देखते ही मुझे आपका स्मरण हुआ था। मानो ये मुझे पुकार कर कह रहा हो, मुझे महाराज कंस के पास ले चलिए। इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है देवर्षि। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं महाराज, और 8वीं पंखुड़ी सबसे विशेष है। यदि विश्वास ना हो तो आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। आप गिनिए तो सही महाराज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही 8वीं पंखुड़ी है? विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या सावधान करने के लिए धन्यवाद देवर्षि। कंस के साथ धोखा करने वाले को अति भीषण दंड मिलेगा। भविष्य में ऐसी कल्पना मात्र से ही मेरे शत्रु भय से कांप उठेंगे। मथुरा नरेश, मैं तो मात्र पंखुड़ियों की बात कर रहा था। यदि आपने कुछ और समझ लिया है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। नारायण नारायण।
विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या मामा जी मोर बन गए, मामा जी मोर बन गए, मामा जी मोर बन गए, मामा जी मोर बन गए। कंस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कीर्तिमान जी। मामा जी, क्रोध का मलो मत मोह मत सर, क्रोध का मलो मत मोह मत सर, क्रोध का मलो। मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.